नमस्कार, जय जानकी, जय सियाराम। आइए हम बात करब एक एहन विषय के बारे में जिकरा लॉ के लोक सब के बीच बहुत संशय संदेह बन गेल। अंगिका, बज्जिका, मैथिली, ई एके होई छे कि अलग अलग होई छे, ई भाषा आए कि बोली। अहाँ के सब प्रश्न के उत्तर भेट जाए, अहाँ के कोनो उलझन न रहत, अइ लेल अहाँ खाली वीडियो के पूरा अंत तक देखू। अंत तक देखला के बाद अहाँ के सब संशय दूर भ जाए। सबसे पहले बात करै छी बज्जिका अंगिका के बारे में। बज्जिका अंगिका एक मनगढ़ंत शब्द है, काल्पनिक शब्द। बज्जिका अंगिका के नामकरण 1943 में राहुल संस्कृत्यान द्वारा कैल गेल रहे। 1943 में एक आर्टिकल अलै रह मातृभाषाओं का प्रश्न, वही आर्टिकल में राहुल संस्कृत्यान सबसे पहले बज्जिका अंगिका शब्द के उपयोग कलथिन आ ओकर नामकरण कलखिन। पर बज्जिका अंगिका शब्द उस समय प्रसिद्ध न भ पल। उस समय तक दखिनाहा आ पछिमाहा मैथिली ही प्रसिद्ध रहे, किंतु उक्कर 11 बरख बाद 1954 में बज्जिका अंगिका शब्द के उपयोग भेलै आ उक्कर प्रचार प्रसार कैल गेलै। अब अहाँ सब सोच रहल होएब कि ई राहुल संस्कृत्यान की है। तो राहुल संस्कृत्यान एक कम्युनिस्ट लीडर रहलखिन रह। हुनकर जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में भेलै रह। हुनकर वास्तविक नाम केदार पांडे रहे, किंतु हुन सनातन संस्कृति के विरोधी रहथिन आ सनातन संस्कृति से अनंत द्वेष नफरत करैत रहथिन। अइ लेल हुन सनातन संस्कृति के त्याग कऽ देलथिन, हिंदुइज्म के त्याग कऽ देलथिन आ अपन नाम राहुल संस्कृत्यान कऽ लेलखिन। राहुल संस्कृत्यान के हिंदी से बहुत प्रेम रहै आ उ एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक सेहो रहथिन। हुनकर मान्यता ई रहै कि भारत में एके भाषा होय के चाही, केवल हिंदी। अइ लेल उ कैगो क्षेत्रीय भाषा के तोड़े के प्रयास कलखिन। उन अम्बाला पंजाब से लौ के मिथिला आ हिमालय तक के भाषा हिंदी कहलखिन। राहुल संस्कृत्यान पंजाब से लौ के मिथिला तक अनेकों मनग्रहंत आ काल्पनिक भाषा के नामकरण कलखिन, जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट के आधार पर। वज्जी से वज्जिका, अंग से अंगिका, काशी से काशिका, मल्ल से मल्लिका। राहुल संस्कृत्यान ई सब बिना कोनो सरकारी अथॉरिटी या बिना कोनो लिंग्विस्टिक बेसिस के केवल अपन कल्पना के आधार पर कलथिन, इमेजिनेशन के आधार पर। हुन अपन आर्टिकल में स्पष्ट रूप से कहलखिन कि काशी आ छपरा के भाषा अलग अलग है। राहुल संस्कृत्यान दक्षिण भारतीय भाषा के भी तोड़े के प्रयास कलखिन, उम्हरों हिंदी के बढ़ावे के चाहलखिन, किंतु दक्षिण भारतीय लोग सब एहन न हो दलखिन। चलू अब फिर अपन विषय बज्जिका अंगिका पर अबै छी। अंगिका बज्जिका के 1943 से पहले कोनो अस्तित्व न रहे। 1943 से पहले बज्जिका पछिमाहा मैथिली नाम से प्रसिद्ध रहे आ अंगिका दखिनाहा मैथिली, छिका छिकी मैथिली, छिकारो मैथिली के नाम से प्रसिद्ध रहे। बज्जिका अंगिका नामकरण भेला से पहले 1902 में जखनी भाषाई सर्वेक्षण यानी लिंग्विस्टिक सर्वे भेलै रह, तखनी बज्जिका आ अंगिका क्षेत्र के लोक सब अपन मातृभाषा मैथिली लिखलखिन रह। कल्लाकि तखनी मैथिली नाम ही प्रसिद्ध रहे। अंगिका बज्जिका नाम ओकर 52 बरख बाद मैथिली के तोरे के षड्यंत्र कैला के बाद प्रसिद्ध भेलै। आ विश्व के सबसे बड़ लिंग्विस्टिक में से एक सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जे कि इंडियन सिविल सर्विसेज में सेहो काम करे रहथिन, वो अपन पोस्टिंग के समय बंगाल आ बिहार में बंगाल आ बिहार के विषय में बहुत रिसर्च कलखिन आ अपन भाषाई सर्वेक्षण यानी लिंग्विस्टिक सर्वे में पछिमाहा मैथिली यानी अखनी के बज्जिका के वेस्टर्न मैथिली आ दखिनाहा मैथिली यानी अखनी के अंगिका के छिका छिकी मैथिली के बोली बतलखिन रह। भारत के सबसे बड़का इतिहासकार में से एक बेगूसराय निवासी राधाकृष्ण चौधरी भी अपन अ सर्वे ऑफ मैथिली लिटरेचर में भागलपुर के भाषा मैथिली बतलखिन आ अंगिका माने दखिनाहा आ बज्जिका माने पछिमाहा मैथिली के बोली बतलखिन। बज्जिका के इतिहास जो छपल नेपाल में, ओमे बज्जिका के जन्म 1948 बताल गेल आ बज्जिका के जनक राहुल संस्कृत्यान के बताल गेल, स्वयं जे कि स्वयं एक भोजपुरी हिंदीवासी रहथिन। आ सबसे बेसी ताज्जुब के बात ई है कि जे राहुल संस्कृत्यान बज्जिका अंगिका के नामकरण कलखिन, जे बज्जिका अंगिका के जनक छथिन, उहे राहुल संस्कृत्यान बाद में अपन किताब साहित्य निबंधावली में ई पुष्टि कलखिन कि अंगिका बज्जिका मैथिली के ही बोली है। यदि अहाँ चाहै छी तो अहाँ साहित्य निबंधावली बाय राहुल संस्कृत्यान कीन के पढ़ सकै छी। 221 पन्ना के ई किताब है। हम अहाँ के स्क्रीन पर वो पन्ना दिखा रहल छी जे में राहुल संस्कृत्यान बज्जिका अंगिका के मैथिली बतैले छथिन।
अब अहाँ इतना तो बुझ गेल होइब कि बज्जिका अंगिका ई सब काल्पनिक नाम रहै मैथिली के तोड़े के कमजोर करे लेल। अयो यदि आई भी यदि अहाँ पश्चिमहा मैथिली क्षेत्र जेना वैशाली मुजफ्फरपुर सिमरौनगढ़ इत्यादि या दक्षिणहा मैथिली क्षेत्र भागलपुर मुंगेर देवघर इत्यादि में अगर जाए तो उम्हर अहाँ के प्रमाण भेटत। आ ई देखू ई फोटो सिमरौनगढ़ के शिलालेख मैथिली या तिरहुत लिपि में लिखल है। ई फोटो वैशाली के गौरी शंकर महादेव मंदिर के ई शिलालेख भी मैथिली या तिरहुत लिपि में लिखल है। वैशाली आ सिमरौनगढ़ मिथिला के राजधानी रहे। मैथिली और मिथिला के कमजोर करे लेल कुछ मिथिला विरोधी लोग सब जबरदस्ती एकरा मिथिला से अलग बतबै छन। किंतु गंडक आ हिमालय के बीच मिथिला पर छे एकर साक्षी अनेको धार्मिक ग्रंथ है जैसे कि विष्णु पुराण महाभारत इत्यादि। ओनाहिते दक्षिणहा मैथिली क्षेत्र में सेहो मैथिली या तिरहुत लिपि भेटल है। ई फोटो देखू ई फोटो मंदार पर्वत से निकालल गेल है। वर्तमान में देवघर में एकर अलावा भी अनेको शिलालेख भेटल है। अब जे नाम हम अहाँ के बताबे जा रहल छी हुनका से बेसी जानकार केओ न हो सकै छै। हुनकर ज्ञान भक्ति रचना एकर कोनो जोड़ा न है। जिनकर भक्ति से प्रसन्न भ के स्वयं देवों के देव महादेव अपने अलखिन रह हुनकर सेवक के रूप में आ हुनकर सेवक बन के रहल अखिन। जी हाँ अहाँ ठीक चिन्हली, हम बात कर रहल छी मैथिल कवि कोकिल महाकवि विद्यापति जी के। विद्यापति जी अपन मैथिली के सब उपवासा में रचना कैले छथिन आ उ सब मैथिली रचना है। अब जब स्वयं महाकवि विद्यापति के रचना मैथिली के वास्तविकता के प्रमाणित करे छै तो हमरा न बुझाइए कि आप प्रमाणित करे लेल कोनो अन्य चीज के आवश्यकता है। आखिर हुनका से बेसी मैथिली के विषय में के जान सकै छै। लोक सब के अतेक संदेह आ संशय अइ लेल होइ छै कल्लाकि लोक सब दरभंगा मधुबनी के बोली के ही मैथिली बुझ लै छै जबकि दरभंगा मधुबनी में सोतीपुरा डायलेक्ट बोलल जाए छै। मैथिली के मुख्य रूप से 5 डायलेक्ट यानी बोली है। एहन बात ना है कि खाली मैथिली के ही डायलेक्ट होइ छै, आरो अन्य भाषा के अनेको डायलेक्ट होइ छै आ डायलेक्ट के बीच बहुत अंतर सेहो होइ छै। चलो उदाहरण लेल हम बंगाली के ले लै छी। बंगाली भाषा के 12 से बेसी डायलेक्ट है जेना राठ डायलेक्ट कोंटाई डायलेक्ट नादिया डायलेक्ट इत्यादि। अब बोली में कतेक अंतर होइ छै सेहो देख लै छी। उदाहरण लेलू दूगो बंगाली डायलेक्ट ले रहल छी, एक बंगाली के कलकत्ता डायलेक्ट आ दोसर बांग्लादेश के पूर्वी क्षेत्र के डायलेक्ट। कलकत्ता डायलेक्ट में अगर यदि हमरा पानी पिए के है तो पी रहल छी तो ओकरा कहल जाइ छै आमी जल खा छी। ओकरा पूर्वी बांग्लादेशी डायलेक्ट में कहल जाइ छै मुई या आमी पानी छैयार। ओकरा अंग्रेजी में कहल जाइ छै आई एम ड्रिंकिंग वाटर। कलकत्ता डायलेक्ट में यदि एक शब्द के बोल जाइ छै से बाजार ठेके टेटुल एने छे, ओकरा पूर्वी बांग्लादेशी डायलेक्ट में बोलल जाइ छै हे बाजार ताकि तोने तेतोई आंशे। ओकरा अंग्रेजी में बोलल जाइ छै सी बाउट टेमरेंट फ्रॉम दी मार्केट। अब अहाँ के देख सकै छी कि दुनू बोली में कतेक अंतर है। अइ में अतेक अंतर होइ छै कि यदि पुरुलिया के लोक सब बांग्लादेश के पूर्वी क्षेत्र के लोग जब एक दोसर से अपन डायलेक्ट में बात करै छै तो अच्छा से समझ में ना आबै छै। अइ लेल हुन सब स्टैंडर्ड बंगाली में एक दोसर से वार्तालाप करै छै। किंतु अतेक अंतर होला के बाद भी ई दुनू होइ छै बंगाली ही। आ ई चीज केवल बंगाली में ही ना सब भाषा में होइ छै, चाहे उ तेलुगु हो तमिल हो मराठी हो। भाषा के अनेको डायलेक्ट होइ छै आ सब बोली के सुने में तनी तनी अंतर होइ छै। चलू अब बात करै छी मैथिली भाषा के बारे में। रुचिपति विद्यापति आदि के रचना में मैथिली भाषा के उपयोग से मैथिली भाषा के प्राचीनता बुझल जा सकै छै। मैथिली के सबसे प्राचीन रचना वर्ण रत्नाकर के कहल जाइ छै जे कि 1324 में ज्योतिरीश्वर ठाकुर जी द्वारा लिखल गेल रहै। कोनो नव इंडो आर्यन भाषा लेल ई सबसे प्राचीन गद्य या प्रोस अइ। मैथिली भाषा के लिपि तिरहुत अइ जे कि कोनो समृद्ध भाषा के प्रथम पहचान होइ छै। मैथिली के उल्लेख 1801 में हेनरी थॉमस केलेब्रुक के द्वारा लिखल पुस्तक एशियाटिक रिसर्चेज में सेहो देखल जा सकै छै। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन
सेहो मैथिली के बारे में बहुत कुछ बदलखिन। मैथिली भाषा के साहित्य परंपरा बोली सब विषय पर बतैले छथिन। 1965 में मैथिली भाषा के साहित्य अकादमी द्वारा एक साहित्यिक भाषा के दर्जा देल गेलै। 1972 में मैथिली भाषा के एक वैकल्पिक भाषा के रूप में लोक सेवा चयन आ BPSC में सेहो जोड़ल गेलै। बीच में वर्ष 1992 में लालू प्रसाद जी द्वारा मैथिली के वैकल्पिक भाषा से हटा देल गेलै, किंतु 2007 में एकरा फिर से जोड़ देल गेलै। मैथिली भाषा आई UPSC में 500 आ BPSC में 300 अंक के विषय है। 22 दिसंबर 2003 के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा मैथिली भाषा के भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ल गेलै। मैथिली भाषा के 5 प्रमुख बोली है। सोतीपुरा मैथिली, साउदर्न सोतीपुरा मैथिली जेकरा ठेठी कहल जाय छै, पश्चिमाहा मैथिली जेकरा वेस्टर्न मैथिली सेहो कहल जाय छै, दक्षिणाहा मैथिली जेकरा छिका छिकी मैथिली आ छिकारो मैथिली सेहो कहल जाय छै। ओकर अलावा पूर्वी सोतीपुरा मैथिली यानी कि पूर्वैया मैथिली यानी कि ईस्टर्न मैथिली। सबसे पहले बात करै छी पश्चिमाहा मैथिली यानी कि वेस्टर्न मैथिली के बारे में, जेकरा अब भज्जिका मैथिली सेहो कहल जाय छै। पश्चिमाहा मैथिली मुख्य रूप से समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी आ शिवहर में बोलल जाय छै। पश्चिमाहा मैथिली चंपारण में मुख्य रूप से बोलल जायत रहे, किंतु वर्तमान में उम्हर भोजपुरिया हिंदी बोले वाला बहुसंख्यक छथिन। वर्तमान में खाली पूर्वी चंपारण के कुछ भाग में मैथिली बोलल जाय छै। अहाँ के जानकारी लेल बता दू कि हम स्वयं मुजफ्फरपुर के समस्तीपुर से सटल क्षेत्र से छी। हमरो मातृभाषा पश्चिमाहा मैथिली है, कनी हल्का सोतीपुरा के प्रभाव के साथ। चलू अब बात करै छी दक्षिणाहा मैथिली या दक्षिणाहा छिकाछिकी मैथिली के बारे में। छिकाछिकी मैथिली किउल नदी के पूरब लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के सूर्यगढ़ से लग राजमहल पहाड़ी के पश्चिम साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के साहिबगंज सदर तक बोलल जाय छै। दोनों जगह के बीच में गंगा के दक्षिण में जमुई डिस्ट्रिक्ट पूर्वी भाग, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट भागलपुर डिस्ट्रिक्ट दक्षिण भाग, बांका डिस्ट्रिक्ट गोड्डा डिस्ट्रिक्ट देवघर डिस्ट्रिक्ट में छिकाछिकी मैथिली मुख्य रूप से बोलल जाय छै। आ गंगा के उत्तर में छिकाछिकी भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के उत्तर भाग, कटिहार और पूर्णिया के कुछ भाग में बोलल जाय छै। चलू अब बात करै छी ईस्टर्न मैथिली के बारे में। ईस्टर्न मैथिली मुख्य रूप से पूर्णिया डिवीजन के किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया में बोलल जाय छै। एकर अलावा ई पश्चिम बंगाल के मालदह आ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में सेहो बोलल जाय छै। चलू अब बात करै छी ठेठी मैथिली के बारे में। ठेठी मैथिली दू प्रकार के, बेगूसराय आ खगड़िया के ठेठी मैथिली में सोतीपुरा के प्रभाव रहै छै। अब पूर्णिया डिवीजन के कुछ भाग में जे ठेठी मैथिली बोलल जाय छै ओहिमे छिकाछिकी मैथिली के प्रभाव देखल जाय छै। चलू अब बात करै छी सोतीपुरा मैथिली के बारे में। सोतीपुरा मैथिली मुख्य रूप से दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा आ समस्तीपुर के कुछ भाग में बोलल जाय छै। हम अपन विश्लेषण में केवल भारत के डिस्ट्रिक्ट के बारे में बतैली है। एकर अलावा मैथिली नेपाल के परे वाला मिथिला क्षेत्र में सेहो बोलल जाय छै। कुछ दिन बाद जनगणना होय वाला है। अहाँ सबसे यही कहे के चाहब कि चाहे अहाँ मैथिली के कोनो बोली बोलै छी, जनगणना में अपन मातृभाषा मैथिली लिखाऊ, कॉलम 10 में मातृभाषा मैथिली लिखू। आशा करै छी अहाँ के अपन सब प्रश्न के उत्तर भेंट गेल होयत। अंततः इहे कहे के चाहब कि यदि जानकारी अच्छा लागल त एकरा बेसी से बेसी शेयर करू, ताकि सब व्यक्ति अपन मातृभाषा के बारे में जान सकछ।